हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग RRB NTPC एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, तो आइए उसी बेस पर आधारित एक और सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार डॉगलस एंजल बर्ट ने किया है, ठीक है। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पहले पूरा वॉच कीजिए, देखिए आपको इसमें से कितना क्वेश्चन याद है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, और जो कि SPD का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप इसे पूरा वॉच कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और आप अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और बात चलिए, अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में हुई, ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो है ये नई दिल्ली में है, ठीक है। मॉडर्न आर्ट है कि मॉडर्न आर्ट है, ठीक है। आप सभी से आग्रह है, एक न्यूज़ सूचना है कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जल्द ही इस चैनल पर आने वाला है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सूचना मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजपीपला महादेव पहाड़िया, राजपीपला और महादेव पहाड़िया सतपुड़ा पर्वत का भाग है। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास थे। दोस्तों, इसमें 30 से 32 क्वेश्चन होता है, 35 क्वेश्चन होता है। आप इसमें देखिए आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। यदि आप इसमें 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे इसी प्रकार हम देखते हैं। चाय के अगला क्वेश्चन है, चाय में उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो कैफीन होता है। चाय में उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो कैफीन होता है। काराकोरम द्वारा भारत पाकिस्तान को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो एडमिरल है। अगला है, शिवाजी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो शिवाजी स्टेडियम नई दिल्ली में है, ठीक है, और वहाँ के दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, ठीक है, और वहाँ के विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है? 70 है, ठीक है। आगे देखिए, वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो भास जी हैं। शाहजहाँ के चार पुत्रों में से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय किसके जाता है? और पता नहीं, ये तो इसका तो आंसर ही नहीं लिखे। शाहजहाँ के चारों पुत्रों में से अथर्ववेद का अनुवाद का श्रेय दारा को जाता है। किसका श्रेय जाता है? तो दारा ने उसका अनुवाद किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेहरुनिसा शादी के बाद जहांगीर की बीवी नूरजहाँ है। मेहरुनिसा शादी के बाद जहांगीर की बीवी कौन है? तो नूरजहाँ है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का प्राचीन नाम क्या था? तो बस्तर का प्राचीन नाम दंडकारण्य है। पीर पंजाल रेंज किसका हिस्सा है? तो ये शिवालिक का हिस्सा है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, ठीक है, और बम फेंककर भागे नहीं, वो लोग वहीं पर खड़े रहे ताकि वो लोग बता सके कि हमको आज़ादी चाहिए, ठीक है। पंच प्यारे
पंच प्यारे प्रथा का आरंभ करने वाला कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, कलकत्ता स्थित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, कलकत्ता स्थित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है दोस्तों, जल्द ही एक और वीडियो अपलोड करेंगे कि उसमें रहेगा गवर्नर जनरल के सारे कब से कब तक शासन किया है, उसके शासन काल में क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये सब रहेगा क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसके एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, पारसी धर्मावलंबी लोगों की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? तो बलसाड है। आईआईटी की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? तो आईआईटी अमेरिका से ली गई है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। बीजक की रचना की थी? तो कबीर ने की थी। कबीर के गुरु कौन थे? कमेंट कीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि कब से कब मानी जाती है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सी ओ आर ई का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, कंडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। एम आई सी आर का अर्थ क्या है? तो कैरेक्टर है। अगला है, टाइगर वुड्स के लेखक कौन है? टाइगर वुड्स के लेखक किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित है, बेड स्क्वायर, सॉरी बेड नहीं, रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो मॉस्को में स्थित है। और मॉस्को क्या है? तो यह रूस की राजधानी है। रिहन नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो यूपी में है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है? तो थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। अगला है, प्रधान मध्याह्न ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बाय।